पिछले दो साल से कोविड के चलते जहां रामलीला समेत तमाम जो धार्मिक आयोजन हैं उन पर लगभग पाबंदियां लगी हुई हैं, इसी श्रृंखला में द्वारका की तमाम जो संस्थाएं हैं, ऑल द्वारका रेजिडेंट फोरम हो, द्वारका फोरम हो या फिर द्वारका की अन्य कई संस्थाओं, सब ने मिलकर ई रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 21 के पैसिफिक मॉल में, जहाँ पर ई रावण दहन किया गया, जिसके माध्यम से क्रैकर्स को नो कहा गया और साथ में ई रावण दहन हुआ। आइए आपको सुनाते हैं इस अवसर पर जितने लोग उपस्थित रहे उन सबके विचार क्या हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम एक बेहद सफल कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो बिगड़ने वाला है। इसी टाइम पे पराली जलती है, दिवाली के आसपास भी जब पटाखे फोड़े जाते हैं, दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि जितना भी हो सके हम प्रदूषण को घटाएं। बट इस टाइप की जो सोच कि हम रावण दहन को करेंगे, मनाएंगे दशहरा को, बट उसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा धुआं, ज़्यादा क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स ना फोड़ कर हम एक समाज में एक अपना गेट टुगेदर भी करें, संस्कृति को बचा कर रखें और हम समाज में ये भी एक मैसेज दें कि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक स्टेप है। पहली बार ना सिर्फ द्वारका या ना सिर्फ दिल्ली के लिए, बट ये देश में पहली बार जैसा पहला ई रावण दहन, पहला ई दशहरा हम इसको कह सकते हैं, ये एक सिर्फ एक साथ एक झटके में इन्होंने ना सिर्फ एक प्रदूषण के लिए कुछ अच्छा किया है बल्कि डिजिटल इंडिया की तरफ, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ भी एक बहुत बढ़िया स्टेप है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ADRF को और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पैसिफिक मॉल को कि एक बहुत बढ़िया स्टेप इन्होंने लिया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। द्वारका को मैं कहती हूँ कि इस मामले में लकी है कि जो कुछ होता है यहाँ पर पहली बार होता है। बड़ा रावण था तो वो भी द्वारका में था और आज जब बात आई कि संस्कारों को भी बढ़ाना है लेकिन प्रदूषण से द्वारका को, अपने शहर को बचाना है, तो पहला ई रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। ADRF की टीम और पैसिफिक मॉल ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा ये मैसेज है। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने ये प्रयास किया, पहली बार सोचा कि जैसे कि SDM सर ने बताया कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी समय पराली जलती है, इसी समय दिवाली होती है, इसी समय ट्रैफिक भी बढ़ जाता है सड़कों पे, तो ये सोच आई हमारी सोसाइटी के माध्यम से और इसमें पैसिफिक मॉल ने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने वो तैयार हुए और ये बहुत छोटे ही समय में, बहुत कम समय में इसकी तैयारी की गई। तो पॉल्यूशन है, मतलब जो यहाँ की सामाजिक बुराइयाँ, वो ही एक रावण है। तो सबसे पहले एक ये संदेश है कि हम देवियों को तो पूजा करते हैं और स्त्री शक्ति का मान सम्मान हम करें, सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे बुराई है वो है पॉल्यूशन। तो सरकार तो कर ही रही है लेकिन हम जनता क्या कर रही है? तो जो जितना भी पॉल्यूशन हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या कैसा भी, हमें इस प्रदूषण को भी भगाना है। देखिए, ये जो आप सहयोग की बात कर रहे हो, पैसिफिक मॉल ने बहुत सहयोग किया और हमारा कल एक दिन पहले ही ऐसा प्लान बना, क्यों नहीं हम दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट तैयार करें जिस पे बिना क्रैकर, बिना धुएं की एक हम दशहरा रावण दहन करें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमें पैसिफिक मॉल ने भी किया और सबसे पहले मैं मीडिया का भी थैंक्स बोलता हूँ, जो मीडिया भी हमें आके जो इतना कोऑपरेट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी के इस पर्व पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी मीडिया के बंधुओं को और जितने भी द्वारकावासी और भारतवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने इस साल निर्णय लिया कि द्वारका के अंदर जो हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से बहुत बड़े बड़े द्वारका दशहरा महोत्सव के आयोजन किया करते थे, इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ई रावण दहन करेंगे और डिजिटल रामलीला, ई रावण दहन और ई क्रैकर शो का आयोजन यहां पर किया, जिसको आप सबने देखा कि काफ़ी अच्छी संख्या में द्वारका के लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और यही एक प्रचलन अब समय के साथ में हमें भी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय की ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे अपनी
ई रावण दहन का कार्यक्रम, भारत का पहला कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज द्वारका में D21 पैसिफिक मॉल में ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अगर आयोजित होते चले जाएंगे तो प्रदूषण के ऊपर हम लोग बहुत बड़ी विजय जी बिल्कुल द्वारका की लीडिंग संस्था जो है ADRF द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन, इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज के समय को देखते हुए इतना प्रदूषण है पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, इन्होंने एक पहल की है, एक शुरुआत की है ये कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा से जो एक छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं, इस पहल से अगर बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे सीख के और इसी तरह के आयोजन करेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बची रहेगी और प्रदूषण से भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह ई रावण दहन का जो शानदार कार्यक्रम है द्वारका में वो संपन्न हुआ। तमाम जो अतिथि थे उन लोगों ने शिरकत की, तमाम जो द्वारका की समाजसेवी संस्थाएँ हैं जो द्वारका की न सिर्फ पॉल्यूशन के मामले में बल्कि अन्य विषयों पर चिंता करती रही हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की खासी प्रशंसा की। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।